नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 21 अगस्त दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में 23 अगस्त से लागू होगा नया चालान शुल्क। केले की खेती करने पर 50% तक का अनुदान। बिहार को अगले साल मिलेंगे गंगा नदी पर 3 और बड़े पुल। फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने के लिए चलेगा अभियान। 26 अगस्त को बेतिया में लग रहा रोजगार मेला। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईआईटी रुड़की में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती। आईआईटी रुड़की के द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी के 78 नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार 30 अगस्त 2023 तक इस भर्ती के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बता दें कि जिन उम्मीदवारों को इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है वे https://iitr.ac.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यताएं निर्धारित की गई है। ऐसे में इस भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद नोटिफिकेशन की जांच करनी चाहिए। बिहार में 23 अगस्त से लागू होगा नया चालान शुल्क। ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर सख्ती बरतते हुए बिहार के परिवहन विभाग के द्वारा 23 अगस्त से जुर्माने की राशि को बढ़ा दी गई है। बता दें कि इस बारे में विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर यह बता दिया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत प्राप्त सख्तियों का प्रयोग करते हुए हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से समन किए जाने के लिए धारा 184 में निर्धारित समय की राशि को इस धारा के अंतर्गत निर्धारित प्रयोजनों के लिए निम्न रूप से निर्धारित किया जाता है, जिसके तहत न्यूनतम जुर्माने की राशि 1,000 रुपये तो वहीं अधिकतम जुर्माने की राशि 5,000 रुपये निर्धारित की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए नियम के तहत यदि कोई मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाता है तो उसे 5,000 रुपये जुर्माना के रूप में देने होंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा केंद्र की डिटेल्स जारी होगी आज। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो बीपीएससी की ओर से ली जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बता दें कि आज यानी कि 21 अगस्त को शिक्षक भर्ती परीक्षा केंद्र की डिटेल्स को जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर दिए गए कैंडिडेट्स डैशबोर्ड पर जाकर अपने परीक्षा केंद्रों की डिटेल चेक कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह परीक्षा 24, 25 और 26 अगस्त 2023 को आयोजित की जा रही है। मालूम हो कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त कॉपी भी लेकर जानी होगी जो कि वे परीक्षा को सौंपेंगे। बीपीएससी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा। बीपीएससी के द्वारा यह भी कहा गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका खोती है तो इसके लिए अभ्यर्थी ही जिम्मेदार होंगे। वहीं जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के वक्त जरूरी योग्यता नहीं रखेंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे श्वेता सिंह के बारे में। श्वेता सिंह का जन्म आज ही के दिन 1977 में हुआ था। यह एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुतकर्ता है। वह आज तक में विशेष कार्यक्रम के एक समाचार एंकर और कार्यकारी संपादक है। पटना विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष स्नातक होने के बावजूद श्वेता ने अपने करियर की शुरुआत 1998 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्विच करने से पहले टाइम्स ऑफ इंडिया पटना और हिंदुस्तान टाइम्स पटना में उनके नाम पर उनकी कई बाइन लाइन है। उन्होंने 2002 में आज तक में शामिल होने से पहले जी न्यूज और के लिए काम किया था। वह खेल से संबंधित समाचार को कवर करने में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाती हैं। उनके शो सौरभ का सेक्सर ने 2005 में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ खेल कार्यक्रम के लिए पुरस्कार जीता। श्वेता ने बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के दौरान पाटलिपुत्र का इतिहास कार्यक्रम भी किया। केले की खेती करने पर 50% तक का अनुदान। अगर आप भी केले की खेती करने के इच्छुक हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि बिहार की राज्य सरकार के द्वारा बागवानी विकास मिशन योजना के तहत केले की खेती करने पर 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसमें खास बात यह है कि सरकार की ओर से केले के अलावा आम, लीची और अमरुद की खेती पर भी अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। बता दें कि सरकार के द्वारा 1 हेक्टेयर में केले की इकाई लागत 1,25,000 रुपये तय की गई है। 50% अनुदान यानी कि इन फलों की खेती करने पर 62,500 रुपये की सब्सिडी सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसे में इच्छुक किसान जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वह बिहार बागवानी विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट http://horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अतिक्रमण और जमीन विवाद सुलझाने में ज्यादातर सीओ पिछड़े। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जुलाई महीने की सीओ के कार्यों पर आधारित जारी की गई रैंकिंग रिपोर्ट से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि राज्य में अभी 534 अंचलों के सीओ में अधिकांश सीओ के द्वारा अतिक्रमण और जमीन विवाद से जुड़े मामलों का निपटारा करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। बता दें कि इस रैंकिंग के अनुसार पहले स्थान पर रोहतास जिले का दावात अंचल रहा तो वहीं दूसरे नंबर पर बांका का अमरपुर, तीसरे पर रोहतास का नोहट्टा, चौथे पर बांका का कटोरिया और
पर पांचवें स्थान पर सुपौल का पिपरा अंचल है, जबकि गया का आमस अंचल सबसे निचले पायदान पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीचे से पांच सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों में गया में आमस अंचल के बाद मुंगेर का जमालपुर, पश्चिम चंपारण का बेतिया, पटना का दुल्हिन बाजार और जमुई का इस्लाम नगर अलीगंज अंचल शामिल है। इस बार की जारी रिपोर्ट में यह पाया गया है कि जमीन से संबंधित विवाद को निपटने में बहुत सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं। लंबित मामलों की संख्या काफी अधिक है और इसमें कई अंचलों को शून्य अंक तक मिले हैं। बिहार को अगले साल मिलेंगे गंगा नदी पर तीन और बड़े पुल। राज्य में गंगा नदी पर बन रहे तीन बड़े पुल का निर्माण कार्य अगले वर्ष पूरा होने की संभावना है। ऐसे में बहुत जल्दी बिहार वासियों को तीन नए पुल की सौगात मिलने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम जिन तीन पुल की बात कर रहे हैं उनमें करीब 2,926.42 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नया फोर लेन पुल, करीब 4,988 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार हो रहा कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन और करीब 1,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा राजेंद्र सेतु के समानांतर सिक्स लेन पुल शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर इन तीन पुलों का निर्माण हो जाता है तो उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे कि खास तौर पर उत्तर और दक्षिण बिहार आवागमन में पटना से होकर आने जाने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही इस पुल के तैयार होने से उत्तर प्रदेश, झारखंड व बंगाल के लोगों को भी काफी लाभ मिलेगा। मालूम हो कि गंगा नदी पर अगले चार साल में कुल 18 पुल हो जाएंगे। फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने के लिए चलेगा अभियान। लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराने के लिए आगामी 20 सितंबर से बिहार के 11 जिलों में सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम चलाया जाने वाला है। बता दें कि जिन 11 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जाने वाला है उनमें भोजपुर, बक्सर, मधुबनी, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, दरभंगा, लखीसराय, रोहतास और समस्तीपुर जिला शामिल है। मालूम हो कि इस अभियान के दौरान कोई बच्चे या व्यक्ति दवा खाने से वंचित न रह जाए, इसलिए जन जागरूकता रैली, वाद विवाद, चित्रकला प्रतियोगिता आदि भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समुदाय को इस दवा का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले इस अभियान की शुरुआत 10 अगस्त से की जाने वाली थी, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल की वजह से इस अभियान को रद्द कर दिया गया और नई तारीख 20 सितंबर निर्धारित की गई। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे श्री उग्रतारा स्थान के बारे में। बिहार के प्रसिद्ध शक्ति स्थलों में सहरसा जिले के महिषी में अवस्थित उग्रतारा स्थान प्रमुख है। मंडन मिश्र की पत्नी विदुषी भारती से आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ यहीं हुआ था, जिसमें शंकराचार्य को पराजित होना पड़ा था। सहरसा से 16 किलोमीटर दूर इस शक्ति स्थल पर सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के दिनों में और प्रति सप्ताह मंगलवार को यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। शक्ति पुराण के अनुसार महामाया सती के मृत शरीर को लेकर शिव पागलों की तरह ब्रह्मांड में घूम रहे थे। इससे होने वाले प्रलय की आशंका को देखते हुए विष्णु द्वारा महामाया के मृत शरीर को अपने सुदर्शन से 52 भागों में विभक्त कर दिया गया था। सती के शरीर का जो हिस्सा धरातल पर जहां गिरा उसे सिद्ध पीठ के रूप में प्रसिद्धि मिली। महिषी उग्रतारा स्थान के संबंध में ऐसी मान्यता है कि सती का माया नेत्र भाग यहां गिरा था। जेल में भी रहकर राजीव कुमार ने खोला जीवन का द्वार। बिहार की राजधानी पटना में रहने वाले राजीव कुमार ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे आज वह लोगों के सामने एक मिसाल के रूप में उभर गए हैं। दरअसल 16 अप्रैल 2009 में उनकी धर्मपत्नी ने खुद की जान ले ली थी। इसके बाद उनके ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस बना और उन्हें 16 अप्रैल को ही जेल जाना पड़ा। इसके बाद उन्हें 18 अप्रैल 2014 को आजीवन कारावास की सजा मिल गई, लेकिन उन्होंने इतना कुछ होने के बाद भी हार नहीं माना और उन्होंने जेल से ही बीसीए में अपना नामांकन करा, अपनी पढ़ाई शुरू की और उन्होंने बीसीए के बाद एमसीए की पढ़ाई भी शुरू की, लेकिन तब तक उन्हें बेल मिल चुका था, जिसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई बाहर से भी जारी रखी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजीव कुमार बीपीएससी के द्वारा वर्तमान में लिए जा रहे शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी भाग ले रहे हैं, जिसमें उन्हें बिहार सरकार और प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उनकी यह कहानी हम सभी को प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी आस नहीं छोड़नी चाहिए। 26 अगस्त को बेतिया में लग रहा रोजगार मेला। अगर आप भी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि 26 अगस्त को श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बेतिया के आईटीआई रोड स्थित जिला निबंधन और परामर्श केंद्र में जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से तकरीबन 1000 अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार जो इस रोजगार मेले में भाग लेना चाहते हैं वह एनसीएस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा इस रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही कैंप में भी आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। बता दें कि यह जॉब कैंप 26 अगस्त को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाने वाला है। अगर किसी अभ्यर्थी को इससे जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी होती है तो वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला नियोजनालय में दूरभाष संख्या 0625429573 पर संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जो इस रोजगार कैंप में जा रहे हैं वे अपने साथ अपना रिज्यूम, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड का जेरोक्स और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जरूर ले जाएं।
विदेशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से जी तोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल पा रहा, बल्कि शराब तस्कर आए दिन तस्करी के लिए नए नए तरीकों का निजात करते हुए पाए जाते हैं। बता दें कि ताजा मामला मोतिहारी का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार मिश्र के निर्देश पर चकिया डीएसपी के नेतृत्व में मेहसी थाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 295 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया और साथ ही 3 तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान राजस्थान के सतपाल कुमार और गणपत सिंह व मोतिहारी के सोनू कुमार के रूप में की गई है। बता दें कि शराब राजस्थान से बिहार के मोतिहारी लाया जा रहा था। फिलहाल इस मामले पर पुलिस के द्वारा जाँच पड़ताल की जा रही है। बेगूसराय के सिमरिया धाम में निर्माण कार्य इस वर्ष तक हो जाएगा पूरा। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बेगूसराय के सिमरिया धाम को हर की पौड़ी से भी बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यह काम बहुत तेजी से चल रहा है और साल के अंत तक सिमरिया धाम के एक फेज का काम पूरा कर लिया जाएगा और फिर बाकी बचे तमाम कार्य अगले साल जून तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गंगा में अभी जल स्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी काम जारी है। जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार 114.97 करोड़ रुपए की योजना को 22 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद टेंडर की प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद निर्माण एजेंसी ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। सिमरिया धाम के विकसित हो जाने पर पूरे प्रदेश और देश के बाहर के श्रद्धालुओं को भी काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यहां आयोजित होने वाले कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी और इससे बिहार के धार्मिक पर्यटन में भी काफी विकास होगा। पितृपक्ष मेले को लेकर गया डीएम ने की बैठक। 28 सितंबर से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला महासंगम 2023 की तैयारियों के संबंध में बीते दिन जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन संघ के द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारी विष्णुपद के पुरोहितों के साथ बैठक की गई, जिसमें उन्होंने सभी से कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष और भी बेहतर पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जा सके, इसके लिए अभी से ही तैयारी आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न कोषांग बनाए गए हैं, जिसमें बढ़िया पदाधिकारी हर 3 दिनों पर अपने कोषांग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ निश्चित तौर पर बैठक करेंगे। आवासन समिति का जिम्मेदारी है कि यात्रियों को इस वर्ष और अच्छा आवासन व्यवस्था उपलब्ध करवाया जाए। सभी आवासन स्थल एवं पुलिस स्थल पर पर्याप्त संख्या में टॉयलेट एवं पेयजल की व्यवस्था का आकलन कर उसे बनवाया जा रहा है। पीएचडी विभाग द्वारा टॉयलेट एवं पेयजल व्यवस्था को पूरा मुकम्मल व्यवस्था करवाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इस वर्ष 13 यात्रियों तथा पुलिस बल के लिए कुल 65 कॉलेज एवं विद्यालय का आवासन स्थल के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जिनमें कुल 16,150 लोगों की ठहरने की व्यवस्था होगी। सभी आवासन स्थलों पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसी भी आवासन स्थल पर जल जमाव की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए अभी से ही पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त रखा जाए। मालूम हो कि इस वर्ष कुल 41 की संख्या में मौन एसपी पोर्टल गेस्ट हाउस चिन्हित किए गए हैं, जहां प्रत्याशियों को ठहराया जाएगा। गया के गांधी मैदान में 2000 आवासन क्षमता का टेंट भी निर्माण करवाया गया है, जिसमें प्रत्याशियों को वाईफाई इंटरनेट की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ यात्रियों के लिए कई अन्य तरह की भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सरकार के 44 विभागों से समन्वय करेंगे ग्रामीण विकास के 9 अफसर। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा राज्य सरकार के अन्य 44 विभागों से तालमेल के लिए एक नई व्यवस्था बनाई गई है, जिसके तहत ग्रामीण विकास विभाग के 9 वरिष्ठ अफसर को नोडल बनाते हुए उनके बीच राज्य के अन्य विभागों से समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मालूम हो कि इस संबंध में विधिवत अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि अधिसूचना के अनुसार जिन पदाधिकारियों को नोडल बनाया गया है, वे विभागीय हित में उन महकमों से जुड़े तमाम मामलों को देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 9 पदाधिकारी को नोडल बनाया गया है, उनमें संयुक्त सचिव अरविंद मंडल, रवि कुमार ओएसडी, रेणु कुमार, अवर सचिव सदय कुमार सिंह, मिशन उपनिदेशक राम कुमार पोद्दार, संयुक्त सचिव नंदकिशोर साह, कार्यपालक अभियंता शंभू कुमार, सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार श्याम किशोर प्रसाद और सहायक अभियंता उमा शंकर सिंह के नाम शामिल हैं। बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार। बिहार में पिछले कुछ दिनों से लोगों को गर्मी की काफी मार झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब मौसम विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 21 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों के जिलों के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ में मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर कल यानी कि 22 अगस्त के मौसम की बात करें तो राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी भागों के जिलों के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है और साथ ही मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा और पश्चिम चंपारण जिलों में एक या दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। बता दें कि जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में इस तरह की स्थिति 24 अगस्त 2023 तक बनी हुई है।
दरभंगा एम्स को लेकर तेजस्वी यादव ने मनसुख मांडविया को लिखा पत्र। इन दिनों बिहार में दरभंगा एम्स को लेकर राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। बता दें कि अब एक बार फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख एल मांडविया को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने 1 मई सोभन बाईपास पर अस्पताल के निर्माण कार्य पर सकारात्मक फैसले लिए जाने की बात कही है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि बिहार सरकार ने दरभंगा जिले के बहादुरपुर अंचल अंतर्गत 1 मई सोभन बाईपास पर अवस्थित 151 एकड़ की भूमि निःशुल्क केंद्र सरकार को हस्तांतरित की है, लेकिन पता नहीं केंद्र सरकार स्थल स्वीकृति पर निर्णय क्यों नहीं ले पा रही। मालूम हुआ कि इस बात की जानकारी तेजस्वी यादव के द्वारा ट्वीट कर दी गई है। उन्होंने भेजे गए पत्र की तस्वीर के साथ लिखा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मांडविया जी को दरभंगा एम्स के संदर्भ में सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा के साथ पुनः पत्र लिखा है। बिहार सरकार ने निःशुल्क 151 एकड़ भूमि केंद्र सरकार को हस्तांतरित की है, लेकिन पता नहीं केंद्र सरकार जमीन पर निर्णय क्यों नहीं ले पा रही। सनद रहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में दरभंगा में एम्स खुलवा भी चुके हैं। बीजेपी ने हरी सहनी को बनाया बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। बीते दिन रविवार को बीजेपी के द्वारा हरी सहनी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरी सहनी दरभंगा से हैं। उन्हें परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाने की चर्चा काफी लंबे समय से चल रही थी। इससे पहले वह दरभंगा जिला में बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं वर्ष 2005 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में केवटी विधानसभा से उम्मीदवार के रूप में हरी सहनी के नाम की घोषणा भी हुई थी। बाद में उनका टिकट कट गया था। बीते दिन अति पिछड़ा समाज से आने वाले हरी सहनी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। पार्टी ने अलग अलग जातियों को अहम जिम्मेदारी देकर जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली का टीम इंडिया के मध्यक्रम को लेकर बड़ा बयान। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली के द्वारा टीम इंडिया के मध्यक्रम को बेहद कमजोर बताया गया है। दरअसल उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा है कि हमारे पास बाबर आजम, इमाम रिजवान टॉप में मौजूद हैं, इफ्तिखार और सलमान अली मिडिल ऑर्डर में हैं और सादाब खान और मोहम्मद नवाज निचले क्रम में अपना जौहर दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के मुकाबले हमारा मिडिल ऑर्डर बेहतर नजर आ रहा है। अगर ईशान किशन नंबर 5 पर खेलते हैं तो मुझे आइडिया नहीं है कि वह कैसा प्रदर्शन कर पाएंगे। भारत नंबर 3 पर तिलक वर्मा को भी खिला सकता है और कोहली को नंबर 4 पर मौका दे सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत 2 सितंबर को होने वाली है। इसके बाद अगर दोनों टीम फाइनल में अपनी जगह बनाने में सफल रहती है तो एक बार और इन दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संसद में 1972 को पारित हुआ। श्रीनगर और पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के बीच चलने वाली कारवा ए अमन बस सेवा 2008 को पुनः प्रारंभ हुई। भारतीय नौसेना का लड़ाकू विमान सी हेरियर 2009 को गोवा से उड़ान भरने के पश्चात अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान चालक ले कमांडर सौरभ सक्सेना का निधन। मून मिशन पर भारत ने 2008 में नासा से हाथ मिलाया। भारत के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवक गोपाल कृष्ण देवधर का जन्म 1871 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म 1910 में हुआ। भारतीय उर्दू की एक लेखिका इस्मत चुगताई का जन्म 1915 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी का जन्म 1927 को हुआ था। भारतीय अभिनेत्री भूमिका चावला का जन्म 1978 को हुआ था। भारत के सबसे युवा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का जन्म 1979 को हुआ था। भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक वामन राव बलिराम लाखे का निधन 1948 को हुआ था। भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक विनू माकर का निधन 1978 को हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान का निधन 2006 को हुआ था। व्हाट्सएप चैनल्स पर मिलेगा फॉरवर्डेड मैसेज फीचर। व्हाट्सएप ने जून में चैनल फीचर लॉन्च किया था और यह यूजर्स को इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में लोगों और संगठनों से महत्वपूर्ण अपडेट पाने में मदद करता है। कंपनी अब एक नए फीचर पर काम कर रही है जो चैनल्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगा। डब्ल्यूए बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज फीचर को चैनल्स में जोड़ रहा है। यह सुविधा क्रिएटर्स को फॉरवर्डेड मैसेज में एक चैनल लिंक शामिल करके अपने ऑडियंस का विस्तार करने में सक्षम बनाएगी। फॉरवर्ड मैसेज विकल्प उन कुछ यूजर्स के लिए उपलब्ध है जिन्होंने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए व्हाट्सएप के लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल किए हैं। व्हाट्सएप का चैनल विकल्प वर्तमान में भारत को छोड़कर कुछ ही देशों में उपलब्ध है। कहा जा रहा है कि कंपनी अन्य देशों में रिलीज होने से पहले चैनल सेक्शन में सुधार कर रही है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे लाडली बहना योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे लाडली बहना योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि टीएनएफ टुडे नामक फेसबुक पेज के एक वीडियो में दावा किया गया है कि लाडली बहना योजना के तहत सभी महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।
सीबीएसई के कक्षा 12 के छात्र नहीं बदल सकेंगे विषय। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 2024 में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत अब 12वीं के छात्र विषय नहीं बदल सकेंगे, यानी कि 11वीं में जिससे उन्होंने पढ़ाई की थी वही विषय 12वीं में भी पढ़ने होंगे। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से जारी गाइडलाइन में यह भी बता दिया गया है कि अगर कोई छात्र अतिरिक्त विषय लेना चाहता है तो उसे 9वीं या 11वीं कक्षा में ही पंजीकरण के समय लेना होगा, क्योंकि कक्षा 12 और 11 में छात्र को अतिरिक्त विषय नहीं दिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 जनवरी 2024 तक स्कूलों में छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य है। मालूम हो कि बोर्ड की ओर से स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों की फोटो और जानकारी सावधानी पूर्वक भरे। सीबीएसई के अनुसार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा फरवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू होनी है, इसलिए स्कूलों को इस बात की सूचना पहले ही दे दी गई है। मालूम हो कि पहले उन विषयों की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी जिनमें छात्रों की संख्या कम होगी। जल्द मिलेंगे अपग्रेडेड चिप वाले ई पासपोर्ट। बहुत जल्दी लोगों के पास चिप वाला एडवांस ई पासपोर्ट आने वाला है। इसके लिए भारत सरकार की ओर से पहल की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि खबर के मुताबिक 2 महीने में लोगों को ई पासपोर्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चिप वाले पासपोर्ट में पुराने पासपोर्ट के मुकाबले कई अहम बदलाव होंगे। इसमें लोगों को 41 एडवांस फीचर मिलेंगे। वहीं इससे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की मांगों वाले 140 देशों में इमिग्रेशन प्रोसेस भी आसान हो जाएगा। हालांकि ई पासपोर्ट देखने में अभी के पासपोर्ट जैसा ही होगा, बस पासपोर्ट बुकलेट के बीच में किसी पेज पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगा होगा और बुकलेट के लास्ट में छोटा फोल्डेबल एंटीना भी लगा होगा। मालूम हो कि चिप वाले पासपोर्ट के लिए केंद्र पर भीड़ न हो, इसके लिए योजना को कई लेवल में लागू किया जाएगा और साथ ही पासपोर्ट को और भी बेहतर बनाने के लिए इसमें AI का भी सहारा लिया जा रहा है। इसरो ने बताया कब और कितने बजे होगी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग। बीते दिन 20 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल डिबूस्टिंग से गुजरते हुए चंद्रमा के और करीब पहुंच चुका है। ऐसे में लैंडर और रोवर की चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की उम्मीद 23 अगस्त की शाम को बताई जा रही है। बता दें कि इस बारे में इसरो के द्वारा ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि चंद्रयान 3 आगामी 23 अगस्त 2023 को लगभग शाम 6:06 पर चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। इसरो ने बताया है कि दूसरे और अंतिम डिबूस्टिंग अभियान में लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक कक्षा में और नीचे आ गया है। मॉड्यूल अब आंतरिक जांच प्रक्रिया से गुजरेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल पर लगे कैमरे से ली गई चंद्रमा की कई तस्वीरें भी जारी की है। अब 23 अगस्त को चांद पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास किया जाएगा। प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 500 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपा करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आसाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कन्याकुमारी। अगला सवाल, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन सी। अगला सवाल, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह बिहार में सर्वप्रथम हुआ था? ऑप्शन ए कोल विद्रोह, ऑप्शन बी संथाल विद्रोह, ऑप्शन डी भूमिज विद्रोह, ऑप्शन डी मुंडा विद्रोह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भूमिज विद्रोह। अगला सवाल, बिहार के किस जिले की नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा है? ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी अररिया, ऑप्शन डी किशनगंज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है धनु प्रिया, शिव कुमार पासवान, प्रियांश उत्तम राज, चंद्रदीप, कमलेश शर्मा, नन्नू गोलू कुमार, AS दिनेश, कस्तूरी कुमारी, रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार, पंकज कुमार दास, गुंजा कुमारी, रविशंकर, मोहम्मद सकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
आपको बिहार का सबसे अच्छा पर्यटन स्थल कौन सा लगता है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।